गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है और मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे इंसान को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं जो इंसान अपने जीवन में काफ़ी कामयाब है, फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब कभी भी जिस इंसान से रिश्ता बनाते हैं इस पर्सन को दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। ये पर्सन भले ही कितने भी अपनी लाइफ में कामयाब हों पर इस पर्सन के जीवन में दुख बना हुआ है और वो दुख रिलेशनशिप को लेकर है। इस पर्सन के जीवन में पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है। ये पर्सन जिसे जितना चाहे उतना दे सकता है पर इस पर्सन को जब ज़रूरत होती है तब इस पर्सन की हेल्प बहुत कम लोग करते हैं। इस पर्सन को ये एहसास काफ़ी रुलाता है, तड़पाता है। इस इंसान ने आपसे जितना भी एक्सपेक्ट किया है आप इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा तो उतरे हैं पर प्यार के मामले में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को भरपूर प्यार नहीं दे पा रहे या फिर ये पर्सन आपके प्यार पर यकीन नहीं कर पा रहा। आप इस पर्सन को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, पर यह पर्सन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को सिर्फ खुश करने के लिए ये बात बोल रहे हैं और ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। इस तरह की बात अगर आपसे बोल रहा है तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के चाहने वाले बहुत हैं, इसकी बात पर यकीन करें तो ये पूरी तरह से आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। कभी कभी ये पर्सन इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना ये पर्सन रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं उतना कोई नहीं डाल रहा। ये पर्सन तो अपने रिलेशनशिप को और अपने लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसे बैलेंस करके बनाकर चलते हैं, पर इस पर्सन को जितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या अदर रिश्तों से होती हैं वो इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो ये पर्सन जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना इस पर्सन को नहीं मिलता। ये एहसास इस पर्सन को इस वक्त भी हो रहा है क्योंकि ये पर्सन हर्ट है। इस पर्सन ने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दी तो इसकी मेन वजह यही है क्योंकि ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ये पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ते हैं और जो आप हैं ना, आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता है, ये इतना आगे तक इस रिश्ते में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि आपने इस पर्सन का दिल जीता था पर ट्रस्ट जीतने में आप नाकाम हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास आज सुबह भी हो रहा है कि आपने इस पर्सन का अभी तक भी ट्रस्ट नहीं जीता जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये पर्सन अपने मन में और अपने दिमाग में जो बातें भी सोचते हैं, जो फील करते हैं, उनको कुछ हद तक हाइड करके भी रखते हैं क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जब कभी भी ये पर्सन अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करने लगेगा तब आप इस पर्सन को शायद फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये पर्सन अपने मन में छुपा कर रखते हैं, खुलकर जाहिर नहीं करते। पर हाँ, ये पर्सन जिस इंसान को भी चाहता है उस इंसान का पूरी तरह से होकर रहता है। इस पर्सन को ये बात पता है कि जब कभी भी ये पर्सन आपको उस तरह से, उस निगाह से देखेंगे, उतना ट्रस्ट करेंगे तो कभी भी फिर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये पर्सन उतना आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप इस पर्सन से चाहते हैं और ये पर्सन जो चाहता है इस रिश्ते से वो शायद इस पर्सन को नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हैं और इस पर्सन के दिल में जो गम है वो इसी बात का है कि इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस पर्सन को टूट कर प्यार करे और ऐसा इंसान इसको नहीं मिल पा रहा जिसका गम इस पर्सन के मन में नज़र आ रहा है। तो कभी कभी ये पर्सन इतना टूट जाते हैं, इतना लाचार हो जाते हैं कि ये पर्सन
आपसे भी दूर चले जाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो आपका इस रिश्ते में रहना या फिर इस पर्सन का आपके साथ में रहना बनता नहीं है। तो इस वक्त अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो यही एक मेन वजह है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी बढ़ा ली है, और इन दोनों की वजह इस पर्सन के इसी बिहेवियर की वजह से है, और ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इसकी वजह से भी है। तो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर बस यूँ ही हो रही हैं। ये पर्सन इस वक्त भी सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर बने हैं तो फिर एक दूसरे को अच्छे से क्यों नहीं समझ पा रहे। ये एहसास जब इस पर्सन को होता है ना कि आप इस पर्सन को ना तो समझ पा रहे और ना ही ये पर्सन शायद आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप दोनों के बीच ये जो गैप बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है। इस पर्सन को तो ऐसा लगता है इस पर्सन के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ सच्चे जीवन साथी की तलाश है इस पर्सन को, उसी इंसान की कमी है। तो इस कमी को ये पर्सन पूरी करना चाहते हैं, पर आप पर ये पर्सन ट्रस्ट करे तभी शायद इस पर्सन की इस कमी को पूरा कर पाएगा ये पर्सन, पर ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं इश्यूज़ की वजह से आप भी हर्ट हैं, आपका पर्सन भी हर्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो नज़र आ रही हैं। आज सुबह भी पर्सन उन सारी बातों के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है जो इस पर्सन ने आपसे की हैं। तो बहुत सारी कस्बे, बहुत सारे वादे जो आप दोनों ने एक साथ खाए हैं उनके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता जो इस वक्त अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, इसके बारे में भी सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ट्रस्ट करना नहीं चाहते, ये पर्सन चाहते हैं ट्रस्ट करना, पर ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि जब कभी भी जहाँ भी जिस इंसान पर भी इस पर्सन ने ट्रस्ट किया है ना, उस इंसान ने इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ा है, तो ये पर्सन आपको ये मौका नहीं देना चाहते कि आप इस पर्सन का ट्रस्ट तोड़ें। इसीलिए ये पर्सन आपको अपने उतना करीब नहीं आने देना चाहते जितना कि आप इस पर्सन के करीब रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आप पर ट्रस्ट करे, आपको अपना माने, आपको वो प्यार दे जो आप इस पर्सन को देने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये पर्सन तो आपके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, आपसे दूर दूर भाग रहा है। तो इस चीज़ से आप भी काफ़ी हर्ट हैं, और ये पर्सन तो पहले ही ये सोच कर हर्ट हैं। और जो इस पर्सन ने अपने मन में बातें सोच ली हैं ना, जिस तरह के विचार इस पर्सन ने अपने मन में लेकर आए हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उन गलत फहमियों को भी ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहा। तो बहुत कुछ ऐसा इस पर्सन के माइंड में है जो इस वक्त भी चल रहा है। ये पर्सन अगर क्लियर करे, आपसे बात करे, खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करे तो कोई ना कोई हल निकाला भी जा सकता है, पर ये पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे, आपको कुछ भी खुलकर नहीं बता पा रहे, जिसके बारे में इस वक्त भी ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच विचार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, और जब एक्शन लेने की बात आ रही है तो एक्शन काफ़ी स्लो है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज सुबह भी आपके पर्सन की फीलिंग्स और सोच इसी तरह की बनी हुई है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।